गंगा, तुहार कपड़ा इतना गंदा कैसे हो गई? धूल में लौट के आयल बाड़ू का? ना अम्मा जी, धूल में काहे लौट अब हम? भाऊजी, तू इतना प्यार से हमरा खातिर डब्बा बनौलू, बाकी हमरा क्लास के एगो लड़की कह दिया बहुत बेकार बा, ओ फेंक दिया समार पराठा, फिर हम झगड़ पड़नी, हम कनी खाना के अपमान काहे करत बाड़ू, तो ऊ हमके धक्का मारलस, तो हम ओके धक्का मार दीहनी, बस लड़ाई शुरू। वो हमके लेटा के मारलस, तो हम भी ओके लेटा के मार दीहनी। पहला ही दिन स्कूल में तांडव शुरू कर दिहलू तू। ना अम्मा जी, हम ना कहीं नहीं, लड़की लड़ाई शुरू कर ले रहलस, तो हम काहे चुप रह जाती, बहुत बदमाश भी आऊ। ऊ बदमाश भी आ, पूरा दुनिया बदमाश बा, बस तू ही सीधा बाड़ू। देख रहल बाड़ू बहू, बड़ा शौक से स्कूल भेजले रहलू एके, दही शक्कर खिला के, ता देखा जाने केकर सर फोड़ के आइल बिया। यदि ओकर माँ बाप आ जाए यहाँ पुलिस के लेके, हाँ तके फंसी। सर्वे ना फोड़नी हम अम्मा जी। सुन ला बहू, तू पति पत्नी बहुत जिद करत रहला ना ये लड़की के स्कूल भेजे के, देखा अभी भी कुछ नहीं के भाई, फिर से सोच ला, कहीं ऐसा ना होके कि अपना फैसला पर पछतावे के पड़े। पहले ही दिन इतना तांडव मचा के आइल भी आई लड़की की, बाद में पता ना का करी। सहन शक्ति नाम के कोनो चीज ही नहीं खे लड़की में। मजाल बा कि दू बात सुन के चुप रह जाए लड़की। यही से हम कहत बानी कि ऐसा बच्चा के कबो कबो स्कूल न भेजे के चाही, दरवाजा बंद करके घर में रखे के चाही। सच बोल रहल बानी अम्मा जी, ओ लड़की बहुत परेशान करत रहल हमके, खूब उल्टा सीधा बात करत रहल, तब भी हम चुप रहनी, कुछ ना बोलनी। यदि वो हमार खाना ना फेंकले होकत ना भाऊजी, तो हम झगड़ा भी ना करती। बहुत दादागिरी करेले हूँ, सब लड़की डरेली उसे। ऐसन लोग के तो बतावे के पड़ी ना कि बुरा बात ना करे के, ना तो और परेशान करी। का ठेका ले रखले बाड़ू तू, सबके सही गलत सिखावे के, सब बकवास बा, सब खराब बा, बस तू अकेले अच्छा बाड़ू, यही से तोहके सबके शिक्षा देबे के बा, सबके सुधारे के बा। हाँ ना अम्मा जी, बाकी लड़की गंगा अम्मा जी कह रहल बाड़ी, तोहके सुने के चाही ना, बड़ा लोग के संगे बहस ना करे के। देखा बहू, कान खोल के सुन ला, समझा दे लड़की के, यदि अपन रंग ढंग ही ठीक ना करी ना, तब स्कूल जाइल बंद कर देब हम। पता ना एकर पढ़ाई खातिर हमनी के कैसे कैसे झगड़ा मोल लेवे के पड़ी, ई भी कोनो बात होखेला? देखा हर माँ बाप के अपन बच्चा प्यारा होखेला, अब जौन लड़की के सर फोड़ले भी आई, यदि ओकर माँ बाप चल ले यहाँ, तो का हो की हमार भी दुगो पोता बाड़े, आज तक ऐसा बखेड़ा ना खड़ा कैले, जौनी लड़की आज एक दिन में कर दिहलस। समझा था बहू एके, ई सब हमरा घर में ना चली। सर पर चढ़ा के रख ले बाड़ू। बाकी भाऊजी सच्ची में हम गंगा, बस देखा कितना गंदा करके आइल बाड़ू अपन कपड़ा। ऊपर जाके चेंज करा, अभी जा। चलिए महाराज जी। गलतियो लड़की के रहल, हमार ना बाकी के हो मानत भी नहीं खे, अम्मा जी भी ना और भाऊ जी भी ना। जैसे हमरा संगी झगड़ा करत रहलू, वैसे स्कूल में भी कैले होबू ना बाना, बोलत कहीं नहीं खो तू, बोला सागर।
आओ ना यार, बोलो ना। हम कहा झगड़े नहीं, तू ही बड़ा लड़ाकू। देख ला भैया कैसे चिढ़ गई बिया। दादी एकदम सही कहली, कैची की जैसन चलेला तो हर मुंह। बोले ना, बोले ना वो काका भाईल। कितना बार बता चुकल बानी, वो हमके धक्का मरलस था, हम ओके धक्का मार दी नी। बहुत जोर से हम चोटी खिंचले रहनी ओकर, चपरासी चाचा रोके ना आईते ना तो और धुलाई कर देती हम ओकर। हमसे बड़ी बिया हूँ और लंबी भी और तगड़ा भी, फिर भी हम ना डरनी जैसे तू डरेला ना मोहल्ला के लाइकन से। गंगा बेटा तू जॉन भी कहलू ठीक ना कहलू, आज अम्मा जी बिल्कुल सही कहले रही। बाकी भाऊजी हम भी तो कहनी ना। अब का मम्मी से झगड़ा करबू, हमरा संगीत झगड़ा करती रहेलू तू। गलत बात पर ना झगड़े नहीं हम, जब तू गड़बड़ करेला ना तबे झगड़े नहीं, समझला। अच्छा अच्छा हम एगो कहानी सुनावत बानी। कौन कहानी सुना। एक बार एगो साधु महात्मा रहले, वो एगो बिच्छू के पानी में डूबत देखले, तो साधु महात्मा ओके निकल ले, बाकी वो बिच्छू साधु महात्मा के हाथ के डंक मरलस और उनका हाथ से फिसल के पानी में गिर गई। साधु महात्मा वापस ओके निकल ले, अब वो बिच्छू फिर से ओके डंक मरलस। ऐसन बार बार होखत रहल। पास खड़ा एगो आदमी इस सब देखत रहल। उस साधु महात्मा से पूछलस कि बिच्छू रउआ के बार बार डंक मार रहल बा, फिर भी रउआ के निकाल रहल बानी, ऐसन काहे? बतावा साधु महात्मा का कहले। उ कहले कि बिच्छू अपन बर्ताव ना बदलेला, तो हम अपन बर्ताव काहे बदली? उ ओके स्वभाव बा और ये हमार। ना समझ आईल ना? मतलब यदि सामने वाला बुराई करे पर तुलल बा, तो का हमने अपन भी अच्छा ही छोड़ दी? तो हर मतलब बा ओ लड़की के दादागिरी करे से ना रोके के चाहिए हमके, जोन करत बिया करे दी। बाकी रोके के ये तरीका तो ठीक नहीं है कि यदि ऊ मरलस तो तू भी ओके मारा, फिर तो तू भी ओकरा जैसन हो गई लू ना। सामने वाला के अपन अच्छाई से जीते के कोशिश करा, पढ़ाई में अपना बर्ताव में बातचीत में उसे अच्छा बन के दिखावा। ये जरूरी तो नहीं है कि केहू से बदला लेबे खातिर ओके मारल जाए, धक्का दिहल जाए या ओके चोटी पकड़ के खींचल जाए। ओकरा सामने मिसाल बन के आवा, एगो अच्छा उदाहरण बन के दिखावा, ताकि वो भी तोहरा जैसन बने की कोशिश करे। समझ गई नी हम भाऊजी, यदि बुलबुल गलत बात करी ना तो फिर भी हम झगड़ा ना करब, अच्छा काम करब, अच्छा से रहब, तब बुलबुल खुद ही समझ जाई कि गलती होकर रहल। शाबाश। बाकी भाऊजी हमार साथ केहू ना दी स्कूल में, काहे कि सब लड़की बुलबुल से डरेली। तो फिर उनके भी प्यार से अपना अच्छा बर्ताव से जीते की कोशिश करा। जौन दिन उनके खरा और खोटा के पहचान हो जाई, वो दिन वो सब तोहरा साथ दी है बाना। राव रो गए जीजा जी। हाँ साले बाबू, रउआ तो जाना थी बानी कि हम रात में नाम मात्र के ही खानी, हजम न होला ना। गुस्सा मत होखिया बाबूजी, आज के बाद हम केहू से भी झगड़ा ना करब, सच्ची।
बहुत दिन से पहली पहली ना खेलनी ना हमनी। अरे हाँ, कौने बढ़िया सा पहली पूछा ना भैया। हाँ, हमके भी बहुत मजा आवेला पहली सुलझावे में। और हमके भी। पता बा बबली दीदी, हम सब पहली के जवाब झट से दे देनी। और बहुत सारा लोग तो बेचारा सोचे थी रह जाले। बताओ ना पुलकित, कौन पहली बा? तो सब लोग ध्यान से सुना। काला घोड़ा सफेद सवारी, एक के बाद एक के बारी। सोचा? करिया घोड़ा सफेद सवारी, एगो के बाद एगो के बारी। कुछ क्लू दा ना भैया, ऐसे थोड़े ना पता चली। कीलू काहे मांग रहल बाड़ा, ऐसन थोड़े ना होला। जदी नहीं खियावत तो हार मान ला कि नहीं खियावत। सब आवेला हमके, सोचे तो दो। और क्लू मांगा कोनो चीटिंग ना होला। ओके ओके, शांत झगड़ा ना। हम सबकर हेल्प करे खातिर बता देत बानी कि ये पहेली के जवाब यही टेबल पर बा। टेबल पर? इला लल्ला भैया, गर्मा गर्म चपाती। तवा और रोटी। तवा मतलब करिया घोड़ा, रोटी मतलब सफेद सवारी, एगो के बाद एगो के बारी। यस, बिल्कुल सही। हम के पता रहल, हमार लल्ला बहुत होशियार बा, बहुत नाम कमाई। देख लूं, अब मत कहियो कि सब जवाब तो के ही पता बा, और 200 लोग सोचते ही रह जाले। हम भी झट से जवाब दे दिए थी सागर, यदि हमरा स्कूल में तोरा स्कूल के जैसन पढ़ाई हो कत। और तो सवाल भी तो पूछला, किलो मंगला ना पुलकित भैया से, तबे तो पुलकित भैया कहले कि जवाब ए टेबल पर ही बा। तू सवाल ना पूछले होता तो पहले के जवाब कबो मिलते थे ना। पगी गंगा, सागर कुछ गलत ना कहिलस। ज्ञान बढ़ावे के बा तो सवाल तो करे के ही होगी। हाँ, एकदम सही कहला तो बाबूजी, हम समझ गई नहीं कि हमके का करे के बा। मास्टर नी जी से, मतलब मैडम जी से सवाल पूछे अब तो उनके जवाब तो देबे के ही पड़ी ना। बिल्कुल, सीखे के सबसे आसान तरीका बा सवाल कई। जदि एकर सवाल शुरू भइल ना ते एकर मास्टरनी जी पेड़ से पक के टपक जाई। हे राम, हरे राम, हरे राम, हरे राम, हरे राम, हरे राम, हरे राम। अम्मा जी घर के मंदिर में सबेरे पूजा करेली, सांझ के भी, फिर रात के सुते से पहले भी, काहे? ए लेकी, तू घूर का रहल बड़ू। अम्मा जी, हा? रोज रात के का प्रार्थना करेलू भगवान जी से? ओह, हम भगवान जी से प्रार्थना करेनी कि दिन भर हम जौन भी गलती करेनी ओके क्षमा करे। हमार दवा कहाँ बा? हे राम, हे राम, राम राम, राम राम। अम्मा जी, तो वैजी वाला दवा काहे खा लो? बाकी लोग के जैसे अंग्रेजी दवा काहे ना खा लो? काहे की देसी दवा खाइल अच्छा होखेला और ऐसे नुकसान भी ना होला। चला, सूते ना दे बुका हमके। अम्मा जी, एक और सवाल आउ। अपना माथा पर तिलक काहे लगावेलू? अरे अरे अरे, तू आधा रात के सब सवाल के बौछार करबू? हाँ, सूते ना देबू हमके? जा जा, सूत जा।
ऐसे कहे कि बाबूजी कहले बड़े कि सवाल कैला से ज्ञान बढ़ेला। तहार बाबू इतना ना कहले कि सब सवाल तू अम्मा जी से करी हा, जाके सूत जा चुपचाप चला। दिमाग खा गई ली लड़की। अम्मा जी दिमाग काहे खाए भम, ई कोनो खाए के चीज ना बा। ए लड़की, यदि तू जाके अभी लाइट बंद ना कैलू ना त 2 दिन तक हम तोहार खाना बंद कर दे। जा निरंजन बाबू, एमएलए साहब के फोन आयल रहल, कहत रहलें कि केस के बारे में यदि पर्सनली मिलके डिस्कस कर लेवे तो अच्छा होखी। आज रउआ मिलल चाहब उनसे? अरे नाना राघव जी, आज तो पॉसिबल नहीं खे। रउआ तो पता ही बा, सांझ तक एक के बाद एक पेशी बा और मीटिंग बा। उनसे कह दी कि 1-2 दिन में हम बात करत बानी जी। ठीक, लेकिन शुक्ला जी तक की फाइल पहुंचावे के बा उनके पहुंचा दे, अर्जेंट बा। बैठा। हरे राम हरे राम हरे राम। एप्पल खाइबा? हरे राम। जीजा जी कैसन बानी रहुआ? सब सही साले बाबू, सब सही। हम देखत बाने। हेलो जीके? गिरीश बा। गिरीश? के गिरीश? कानी ना गिरीश के फोन दे। अरे हम काली ना रउआ से हमके नहीं के पता, रउआ के वानी? साले बाबू, हमार मित्र बाड़े, हमसे बात करे के होकी, लाई। गिरीश बोल रहा बाड़े ना, गिरीश। हाँ। लाई। हाँ जी गिरीश जी, प्रणाम प्रणाम। सब सही सब सही। अरे वाह गिरीश जी, आज तो बड़ी इज्जत से बात कर रहा बड़ा सेठ। अच्छा कहला कि फोन उठा लेला, ना तो यही समय तुम्हार सारा कच्चा छिट्टा खोल देती हम। अरे भाई सब सही बा, सब सही बा। बाकी ऐसे कैसे बात कर रहा बानी भाई? हम कहला रहनी ना, जब जरूरत पड़ी बुला ले रहुआ के, फिर ऐसे गलती काहे करनी रहुआ? तो का करते, पुलिस पीछे पड़ल बिया। शहर से भागे खातिर पैसा के इंतजाम तो तोके ही करे के पड़ी ना। तोरा कारण पुलिस हमारे इलाका में छापा मरलस और हमनी के सारा धंधा बंद हो गई। अच्छा खासा मुनाफा के सौदा के ले रहनी हमनी। बाकी तू हमारे इलाका में रेड करवा के सारा धंधा चौपट करवा देला हमार। ऐसे हमनी के कुछ रुपया दे दो ना, तब पुलिस के साथे साथे तुहार घर वालन के भी तुहार असलियत के पता चल जाए, समझला? अब पागल हो गए बड़का, हम करत बानी कुछ। का भाई जीजा जी, सब ठीक तो बा? ना ना साले बाबू, सब सही बा। अरे ऐसे कैसे बात कर रहल बानी? हाँ ठीक बा भाई, रउआ बोलाइब तो हम कैसे ना आइब, जरूर आइब। हाँ अच्छा रखत बानी हम, प्रणाम। का बात बा जीजा जी, परेशान लग रहल बानी? कौनो सीरियस बात? हमार मतलब कोनो समस्या तो नहीं है? हाँ बड़ा चिंता में लग रहा बानी, का बात बा अम्मा जी? अरे ना ना अम्मा जी, चिंता के कोनो बात नहीं है। हमार मित्र बाड़े गांव से बनारस आइल बाड़े, शिकायत करत रहले कि भाई हम व्यस्त रहे नहीं। वह हम कहत रही उनसे कि भाई रउआ बुलाएब तो हम काहे ना आए। अरे ऐसा कौन बात बा, रउआ अपना मित्र के यहाँ बुला ली, काहे भाई राउर भी ता घर बाई। कहाँ यहाँ? अरे नाना अम्मा जी, यहाँ ना ही है वो तनी संकोची किस्म के बाड़े, और ऊपर से हमार ससुराल भी ता भाई, हाँ यहाँ ना ही है। रउआ समझ हल बानी ना साले बाबू? ठीक बा, जैसन राउर मर्जी। सागर, सागर,
बेटा रोज कोनो ना कोनो किताब छोड़ के जाला तू। आके देखो कौन कौन किताब रखे के बा। और चाय भी नहीं खेले गौला। आज हम लगा दी ना तो 10 मिनट और लगाई बा। हाँ मम्मी हम लगा रहे बड़ो। चलो भाऊजी हम स्कूल जा रहे बानी। इतना जल्दी? हाँ काहे कि आज प्रिंसिपल जी आ रहे बाड़ी इंस्पेक्शन खातिर। यही से सब बच्चा के बहुत जल्दी बोला उले बाड़े। अच्छा सागर जा जाके बाल बनाओ और फिर अपन किताब देख लियो कौन से ले जाए के बा। हम तब तक गंगा के टिफिन लेके आवत बानी। जा भाऊजी सागर की किताब हम रख देब तो चिंता मत करा। ठीक बा। गंगा तोहा स्कूल में इंस्पेक्शन बाज? हाँ गंगा तू अपना आपके बहुत स्मार्ट समझे लू ना। कल रात में कितना अकड़ के बोलत रहलू कि हम तोहर पहले के जवाब झट से दे देनी बाना। इंस्पेक्शन में का हो खेला पता भी बा? नहीं के पता, बाकी पता चल जाई तो के बतावे के जरूरत नहीं खे। ठीक बा ना बताई बा। बाद में तू ही पछताईबू जब टीचर तोहा नाखून देख के तोहके डांट लगाई है ना। तब तू ये सोचबू कि हम सागर से काहे ना पूछनी। हमार नाखून काहे देखी है हूं? आ गई लूना लाइन पर। इंस्पेक्शन में ये सब होखेला देखेले कि यूनिफॉर्म ठीक से पहन ले बिया की ना, शूज देखेले कि पॉलिश बा की ना, नेल्स देखेले सफाई और जनरल नॉलेज के क्वेश्चन भी पूछेले। और पता बा जौन तू रिबन बांध ले बाड़ू ना ओके भी चेक करेले कि तू ठीक से बांध ले बाड़ू की ना। आज से हम यहाँ बैठब, ये हमार जगह बा। ये हमार जगह बा। नमस्ते मैडम जी। नमस्ते नमस्ते। जल्दी जल्दी अपन जगह पर बैठ जा और किताब और बैग अच्छा से जमा के रखी। हाँ आज हमने के क्लास में हेड प्रिंसिपल आवे वाली बाड़ी तो तनी ख्याल रखी है। बच्चा लोग आज क्लास में गणित के पढ़ाई होगी, बाकी उससे पहले हेड प्रिंसिपल मैडम यूनिफॉर्म चेक करी है तो तू सब लोग लाइन से बाहर आ जाओ। आज हमार क्लास में पढ़ाई होगी। नमस्ते मैडम। नमस्ते। नमस्ते मैडम जी। नमस्ते। चेक करी यूनिफॉर्म? नाखून दिखावा। पूरा यूनिफॉर्म काहे ना पहन लू? जूता काहे गलत पहन लू? हाँ चलो उन्हें जाके खड़ा हो जा। आ जा मेहंदी। पता बना स्कूल में मेहंदी ना चलेला? गलत के साथ ना दे हम। मैडम जी ये देखिए बुलबुल ए लाइन में खड़ा हो गल भैया और अभी तक तो होकर यूनिफॉर्म भी चेक ना भइल। यहाँ आवा। सॉरी मैडम हमके मालूम न रहल कौन लाइन में खड़ा रहे की बा। च्युइंगम खा रहल बाड़ू? हाँ स्कूल में च्युइंगम खा रहल बाड़ू? हाँ दिखावा, हाँ दिखावा का छुपा रहल बाड़ू।
नेलपेंट लगावे के बड़ा शौक बा, हाँ? एक तो गलती करेलू और फिर छुपेलू। तू ना, तू वहाँ पर खड़ा हो जा, जा। है मत चुकली कहलू ना तू, अब पता चली बुलबुल के संगे पंखा लीला से का हो खेला, तू तक गईलू गंगा, बहुत पछताई बू। देखा बच्चा लोग, आज हमनी तू लोगन से सामान्य ज्ञान के प्रश्न पूछब और अच्छा से जवाब दीहा, ठीक बा? हाँ। साकर एकदम सही कहले रहल, हम बेकार में ही अकड़ देखावत रहनी। हाँ, अभी बतावा कि हमनी के राष्ट्रीय ध्वज में कितना रंग होखेला। ई जवाब तो हमके पता बा। मैडम जी, तीन रंग होखेला, सफेद, केसरिया और हरा। और ए में से कौन सा रंग कोना बात के प्रतीक बा, मालूम बा केहू के बताई? मैम, केसरिया रंग वीरता के प्रतीक हो खेला, हरा रंग हमनी के देश के समृद्धि और खुशहाली के प्रतीक हो खेला, और सफेद रंग विधवा हो के। नाम का बा तोहार? गंगा। गंगा बेटा, तू ऐसन काहे कहलू कि सफेद रंग विधवा के प्रतीक बा? हम विधवा बानी ना, और हमारा अम्मा जी कहली कि विधवा लोगन खातिर बस एक ही रंग पहने के हो खेला, सफेद। कोनो दूसर रंग ना पहन सकेनी, पाप लगेला, भगवान जी गुस्सा हो जाले। ना बेटा, ऐसन कुछ नहीं खे। ई नियम हमनी के समाज और हमनी के पुरखा के बनावल बा। बाकी भारत के संविधान में ऐसन कहीं भी नहीं खे लिखल कि विधवा के बस सफेद रंग के कपड़ा पहने के चाहिए। सफेद रंग अमन के प्रतीक बा, शांति के, इंग्लिश में पीस, और यही खातिर हमनी के राष्ट्रीय ध्वज में सफेद रंग के शामिल कइल गइल बा। काहे कि हमनी के देश पूरा दुनिया के शांति के संदेश देबे के चाहेला। समझ गइला सब लोग? तू कितना समय से यहाँ पढ़ रहल बाड़ू? अभी अभी ताल बाड़ी। अच्छा, काका सिखलू तू टीचर से? मटर छिलर। मटर छीलन? हाँ, क्लास में सब लड़कियन से मटर छिले के काम करावेली मैडम जी। सच्ची कल ना जब हम ना मैडम जी, बच्चे मजाक कर रहे भैया। वो स्कूल में साइंस टीचर नहीं थे ना, तो गणित के संगे संगे हम ही साइंस पढ़ावे नहीं बच्चा लोग के, तो
पिंस के फायदा बतावत रहनी हम बच्चा सबके कि ओमे कितना प्रोटीन्स होखेला, के तरह फली के छिलके साफ करके ओके पकावल जाला, बस ये प्रैक्टिकल देत रहनी बच्चा सबके। तो बच्चे न जाले कहा समझ लिया लस। बाना बेटा कितना झूठ बोल रहल बाड़ी, ऐसे थोड़े ना भयल रहल। यस मैडम जी, गुणवंती ना बिल्कुल सही कर रहल बाड़ी। जी मैडम जी, वो बच्चे सबके आसानी से समझ में आ जाए ऐसे अक्सर हमने क्या ऐसे ही पढ़ावे नहीं। मैडम जी, हम खुदे मटर छिलके इनके दिखाऊनी और फिर ही सबसे कहनी मटर छिले के, ऐसे ही बच्ची ऐसन कहलस। बान बेटा हाँ? नाना मैडम जी। ना मैडम जी, गुणवंती मैडम एकदम ऐसे कहले रहनी, गंगा ही समझे में गलती कर देलस। बाना हाँ। मैडम जी, रउआ और भी क्लासेस चेक करे के बाना, तो चली। बेटा बैठा तू। पिछला कुछ दिन से हमके बहुत कंप्लेन मिल रहल बा कि स्कूल में जोन बच्चा सबके खाना दिहल जाला ओकर क्वालिटी अच्छा नहीं खे। खुद खाना भेजे वालन से बात कैले बानी और वो हमके विश्वास दिलोले बाड़े कि अब से ऐसा ना होखी और रउआ लोग के भी एमे दखल देबे के जरूरत बा। ई बच्चा सब देश के भविष्य बाड़े, इनके सही खुराक दिहल बहुत जरूरी बा और रउआ और हम जोन पूरा दुनिया के नारी शक्ति के महत्व समझावेनी, यदि हमनी ही ये बात के ख्याल न रखब कि बच्चा सबके कौन तरह के खाना दिहल जात बा तो कैसे चली। उनके सही खुराक और पौष्टिक भोजन देबे के चाही। बच्चा लोग, आज से तू सबके साफ सुथरा और स्वादिष्ट ही ना बल्कि पौष्टिक खाना भी दिहल जाई। यही से तू लोगन में से केहू के भी अपना घरे से खाना लावे के जरूरत नहीं खे। जी मैडम जी। आई बाकी के क्लास चेक कर जाए। चला अच्छा भइल, अब पानी वाला दाल तना खाए के पड़ी और हमार माँ के हमरा खाते सबेरे उठ के खाना भी ना बनावे के पड़ी। अम्मा जी, हम बाजार जा रहल बानी कुछ सामान लावे के बा। महाराज जी कोनो काम से बाहर गेल बाड़े, हम क्या आवे में इतनी देर होखी। अम्मा जी, भाऊ जी, भाऊ जी, तो के पता बा आज हमार स्कूल में का भेल? आज बड़की मैडम जी आई रहली इंस्पेक्शन खातिर, सब बच्चा के यूनिफॉर्म चेक कैली, बहुत सारा लड़कियन के सजा मिलल, बाकी हम अव्वल आ गई नी, पूरा यूनिफॉर्म पहन के गेल रहनी ना यही से। भाऊजी, आज तो पढ़ाई भी भइल हमरा स्कूल में, और पता बा कल से हमके खाए के डिब्बा भी ले जाए के ना पड़ी, सब लड़कियन के स्कूल में बढ़िया बढ़िया खाना मिली। कल से तो डिब्बा मत बनैया, तोहार काम कम हो गेल ना, और अम्मा जी तोहार खर्चा भी कम हो गेल बाना। हाँ, तू तो बहुत खर्चा कम करवा देले बाड़ू, हमार लाखों के करोड़ों के खर्चा कम हो गेल बा। गंगा बेटा, जा जा के कपड़ा बदल लो, हम आके तो के नाश्ता देब। हाँ, तू बाजार जा रहल बाड़ू? हाँ, हम भी चलब। हाँ, ए लेकी, अभी ताइल बाड़ू, तू पूरा दिन के बाद स्कूल से और हम भी चलब, कहीं जाए के जरूरत नहीं के। अम्मा जी जाए दा ना, बेचारी भाऊजी अकेले सामान उठा के लई है का, हम संगे रहब तो मदद हो जाए। ठीक बा ठीक बा, बाकी ई कपड़ा पहन के ना जाई बुजा, जाके अपन सफेद साड़ी पहन ला फिर। ठीक बा, भाऊजी तू आगे आगे चला, हम फटाफट से कपड़ा बदल के तोहार पीछे पीछे आवत बानी, पास वाला बाजार में जा रहल बाड़ू ना, हमके पता बा। शांत ना बैठ सके ले ही लेकी, जब देखा तब फुदकत रहे ले। ओहो हो हो हो। अम्मा जी हम जाके आवत बानी। जल्दी आई है बहू। जी अम्मा जी। मेहरी सूद गैल बाड़ू तू? खेलौना लेला खेलौना।
अरे झुंझुना लाला झुंझुना। कितना देर करती नहीं हम, पता ना भाऊजी कोना दुकान में होखी है। ला झुंझुना लाला झुंझुना। भाऊजी कहाँ पड़ी? भाऊजी के बता देत बानी कि वो आदमी ये है परबा। इल, कितना महंगा बा सब्जी बा के सोना। भाऊजी, भाऊजी सुना, वहाँ, वहाँ, वहाँ चला हमरा संगे। कहाँ बाहुआ? अरे वहाँ चला ना। गंगा कहाँ बाहुआ? कहाँ ले जा रहा बड़ों के? अरे कहाँ ले जा रहा बड़ों के? भाऊजी इन्हें चला ना। उचाउन आदमी बाना पान के दुकान पर नीला कुर्ता पहन ले बाऊ। हाँ। वही हमके जबरदस्ती उठा के लेके गेल रहल। ओकरा संगे को और आदमी रहल। बेटा बहुत सोच के बतावा, यह रहल ना, कोनो गलती तो नहीं के होरल पहुंचाने में? हाँ हमके याद बा भाऊजी, बिल्कुल अच्छा तरह से याद बा, यह रहल सच्ची। तोहर बाबू के फोन करत बानी। यू नो, हम अपना डैड के फोन पर तोहरा डैड से बात कर सुननी, वो लोग एक दो दिन में मिले वाला बाड़े। रियली? हाँ, काहे मतलब हमने की शादी के बात करे खातिर। डर गई लू डफर। हो की कोनो काम, यदि तोहार पापा एमएलए बाड़े ना तो हमार पापा भी ये शहर के बहुत बड़े लॉयर बाड़े, पहचाना तो की एक दूसरा के। ओ आई होप वो दोनों में फ्रेंडशिप हो जाए। हाँ यदि वो दोनों में फ्रेंडशिप हो गए तो हमने के अपन फ्यूचर के टेंशन लेवे की जरूरत ही नहीं के। हमने के फ्यूचर हमको समझ नहीं ना। हमने के फ्यूचर के तोहार हमारे डैड के दोस्ती के का मतलब? बोला ना प्लीज। बाय डफर। आई एम सॉरी एमएलए साहब, बाकी हम ही केस ना ले सकेले। कहे कि रउआ भी जानत बानी कि राउर ब्रदर इन लॉ बेकसूर नहीं खन, मर्डर कैले बड़े हूँ और हम हमेशा सच्चाई की तरफ से लड़े ली, फिर रउआ तरफ से कैसे? होखे के तो कुछ भी हो सकेला निरंजन बाबू, बाकी शायद रउआ एगो बात भुला रहल बानी, रउआ वकालतनामा साइन कर चुकल बानी। और रउआ हमनी के सामने ही साइन कैले बानी। निरंजन बाबू रुआ कितना लकी बानी, एमएलए साहब खुद रुआ से मिले आइल बानी। देख रहल बानी कितना मेहनत कर रहल बाने एमएलए साहब एगो अपराधी के बचावे खातिर। अपराधी ना आरोपी, अपराध भी साबित ही कहां भइल बा, और हमर साला साहब के बचावे खातिर उनका बेगुनाह साबित करे खातिर रउआ काम करब। आई एम सॉरी एमएलए साहब, जानत बुझत हम एगो गलत इंसान के साथ ना दे सकेले। हम दबाव ना डालब रउआ पर, बाकी एगो बात जरूर बतावल चाहब, यदि रउआ ई मुकदमा हमरा तरफ से नहीं खीं लड़त तो दूसरा पक्ष के तरफ से भी ना लड़ पाई, बाहर कर दिल जाए भी केस से। रउआ धमकी दे रहल बानी हमके? गलत समझ रहल बानी रउआ वकील बाबू, हम तो राउर भला के बात करत रहनी।
तोहर बाबू तो फोन ही नहीं खन उठा रहल। हाँ सेठ, केने वाला भाई? अरे हमनी यही जे बानी बाजार में। हाँ ठीक बा। एका कर रहल बाड़ू? हम ओकर फोटो ले लेनी तोहर बाबू के दिखावे के पड़ी ना, ताकि वो पुलिस के दिखा सके और उनके बता सके कि यह वो बात जो तोहके किडनैप के ले रहल। गंगा चल अब घरे चल। बाकी भाऊजी वो तो जा रहल बा, कहीं भाग जाए हमने के ओकरा पीछे पीछे जाए के चाहे, हम दोनों मिलके पकड़ लेबोगे ना। गंगा वो लोग बहुत खतरनाक बाड़े, तू जानत बाड़ू ना तोहके कहाँ लेके गई रहले, हमने उनका पीछे ना जा सके नहीं, पुलिस पकड़े उनके, हम तस्वीर ले 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 बानी ना, चल हम लोग घर जाए। बाकी भाऊजी यदि बहुत दूर इस शहर छोड़ के चल गए तो फिर पुलिस कैसे ढूंढी ओके? ओकरा पीछे जाए के चाहे भाऊजी, इतना तो पता कर ली कि वो कहाँ रहेला। बेटा हम लोग ये सब ना कर सके नहीं, पुलिस करी ये सब। चल गंगा। गंगा गंगा रुका, गंगा